गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। आपका इंग्लिश की फर्स्ट बुक चैप्टर 19 चिल्का अ पैराडाइज ऑफ बर्ड्स, मतलब चिल्का एक समुद्री तट की तरह है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो मतलब जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए स्वर्ग की तरह होता है, वो वहाँ पर बहुत खूबसूरत लगता है। तो पढ़ते हैं, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, नीचे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। फिर है नाउ रीड द लेसन, और उसके बाद लेसन यानी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो द चिल्का लेक लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा, मतलब ये चिल्का जो है ये उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट पर है। द हिल्स ऑफ द ईस्ट घाट अराउंड इसके मतलब इसके चारों तरफ ये एक हिल स्टेशन की तरह है, और इसके चारों तरफ घाट है, घाट की तरह ज़मीन है। द सन शाइन्स अपॉन वाइट सॉल्ट वाइट सैंड एंड द ब्लू वाटर, इट इज़ अ वंडरफुल लैंड फॉर टूरिस्ट, मतलब शाम के टाइम जब सूरज ढलने लगता है तो वहाँ की जो रेत है वो सफ़ेद लगने लगती है और वहाँ का पानी नीला हो जाता है। ये बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए टूरिस्टों के लिए, जो लोग बाहर से घूमने आते हैं वहाँ उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। बट चिल्का इज ऑल्सो अ पैराडाइज ऑफ बर्ड्स, मतलब पर जो चिल्का है वो पक्षियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। एवरी ईयर हर साल द बर्ड्स कम फ्रॉम फार अवे कंट्रीज लाइक सिबेरिया, मतलब हर साल बहुत सारे पक्षी बर्ड्स वहाँ पर आते हैं दूर दूर कंट्री से, जैसे सिबेरिया से, मतलब सिबेरिया जो है वो एक रशिया का एक शहर है, उतनी दूर से वहाँ पर पक्षी आते हैं। दे कम्स टू दिस वार्म एंड सनी लैंड टू स्क्रैप फ्रॉम द वेरी कोल्ड विंटर्स ऑफ दिस होम्स इन सेंट्रल एशिया, मतलब ये कि ये जो पक्षी होते हैं वो वहाँ पर आते हैं ठंड से बचने के लिए, अपने अपने घरों को छोड़कर, सेंट्रल एशिया को छोड़कर वो वहाँ पर आते हैं अपनी मतलब उन सर्दियों से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, तो वो अपना समय वहाँ बिताने के लिए आते हैं। दे फ्लाइंग थाउजेंड ऑफ मील्स ओवर माउंटेन्स डेजर्ट्स एंड रिवर्स, ये जो होते हैं ये हज़ारों किलोमीटर उड़कर आते हैं बहुत सारे पहाड़ों से और रेगिस्तानों से और मतलब झरनों और नदियों के ऊपर से। दे जर्नी एंड व्हेन दे रीच द क्लैम वाटर ऑफ द लेक, उनकी जो ये यात्रा होती है वो लेक में यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। यहाँ के शांत पानी को देखकर उनकी जो सारी थकान होती है, सारी यात्रा होती है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर सम वीक्स एवरी ईयर, मतलब हर साल कुछ हफ्ते, चिल्का इज ए होम टू थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, मतलब जो चिल्का है वो हज़ारों पक्षियों का घर होता है। दे आर हंड्रेड ऑफ टील्स पेलिकन्स गीस क्रेन्स हेरोंस एंड फ्लेमिंगोज, मतलब बहुत ये जो नाम दिए गए हैं टील्स पेलिकन्स गीसिस क्रेन्स हेरोंस एंड फ्लेमिंगोज, ये पक्षियों के नाम हैं, मतलब हज़ारों की मात्रा में ये पक्षी वहाँ पर आते हैं, जैसे हंस हो गया, बगला हो गए, राजहंस हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। बिग फिशरमैन स्ट्रॉप डाउन प्लक अप फिश फ्रॉम दिस वाटर एंड गेट गॉन इन अ फ्लैश, मतलब जो फिशर किंग फिशर होती हैं वो भी वहाँ पर आते हैं, वहाँ मतलब जो किंग फिशर होते हैं ना जो मछलियों को पकड़ते हैं उन पानी में से, वो भी वहाँ आकर उस पानी में से मछलियाँ लेते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। ग्रेट फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग अबाउट, जो ग्रेट फ्लॉक्स होती हैं वो भी वहाँ पर उड़कर आते हैं। द स्काई इज ब्राइट विथ कलर्स एंड बर्ड्स कॉल्स फिल द एयर, मतलब वहाँ आसमान का कलर जो होता है वो बहुत ब्राइट होता है और वहाँ पर पक्षियों की आवाज़ें जो होती हैं वो हवा में गूंजती हैं, ठीक है, जो पक्षी होती हैं वो चिल्का जो है उस जगह पर पक्षियों की आवाज़ गूंजती है। उसके बाद द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन एशिया एंड स्ट्रक्चर अक्रॉस मैनी किलोमीटर्स, मतलब जो चिल्का लेक है वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा मतलब वेटलैंड है एशिया का, और वो बहुत मतलब कई किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। मैनी
स्टडी मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विच कम हेयर। हम मतलब इस बहुत सारे अलग अलग पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं कि वो वहाँ कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं और कौन कौन से आते हैं। एट चिल्का कम वन फाइंड सेवरल अनडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं जो डेंजर नहीं होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। देयर हेयर देयर आर 22 काइंड्स ऑफ डक्स एंड गीसेस, मतलब 22 तरीके के वहाँ पर डक्स, बत्तख और हंस पाए जाते हैं। 52 काइंड्स ऑफ प्लोवर एंड सैंड पाइपर्स, बहुत मतलब 55 तरीके के वहाँ पर प्लोवर्स और सैंड पाइपर्स पाए जाते हैं। 14 काइंड्स ऑफ गुल्स, 14 मतलब 14 तरीके की गुल्स पाए जाते हैं, ये भी पक्षी होते हैं। 13 काइंड्स ऑफ ईगल्स, 13 मतलब 13 तरह की वो ईगल्स जो होती है चील, उन्हें वो पाई जाती हैं। एंड 11 काइंड्स ऑफ हीरोस एंड एग्रेट्स, और मतलब 11 तरीकों के बगले पाए जाते हैं। उसके बाद है दे आर मैनी वेराइटीज ऑफ फिश इन द लेक, मैकरल क्रब एंड प्रावन, मतलब इस मतलब उस लेक में जो चिल्का लेक है उसमें बहुत बहुत सारे तरीके की मछली भी पाई जाती है, अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ भी उसमें मिलती हैं, जैसे कि केकड़ा हो गया, प्रावन हो गया, मैकरल है, ये सारी चीज़ें। देयर आर ऑलमोस्ट 225 काइंड्स ऑफ फिश, टोटल मिलाकर 225 तरीके की 225 वैरायटी की मछलियाँ उसमें मिलती हैं, पाई जाती हैं। द फिश प्रोवाइड फूड फॉर द बर्ड्स, मतलब जो मछलियाँ होती हैं वो जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए खाने का काम करती हैं, वो वहाँ आकर मछलियों को भी खाते हैं। डेट कम टू चिल्का दे आर प्रोवाइड, मतलब वो वहाँ चिल्का में आते हैं और उन्हें मिलता है, मतलब वहाँ चिल्का में आते हैं और उन्हें मिलता है, मतलब बहुत वहाँ चिल्का में आने के बाद जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, उनका मतलब उन्हें हज़ारों की मात्रा में मछलियाँ मिल जाती है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ 50 हंड्रेड, 1,50,000 जो मछुआरे होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, चिल्का में रहते हैं। वन कैन सी थाउजेंड्स ऑफ बोट्स ऑन द वाटर एज द फिशरमैन गो आउट टू फिश, मतलब हज़ारों सौ की मात्रा में, कई सौ की मात्रा में वहाँ पर उस मतलब उस लेक में, चिल्का लेक में नाव मिलती हैं, बोट्स मिलती हैं, जिससे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद हैं ऑन सतपड़ा स्नैक्स इस चिल्का, मतलब चिल्का में ही एक सतपड़ा स्लैंड जो है वहाँ पर वन कैन फाइंड द रेयर इरावदी डॉल्फिन्स, मतलब वहाँ पर रेयर इरावदी डॉल्फिन्स भी मिलती हैं चिल्का लेक में। दिस डॉल्फिन इज एन अनडेंजर्स एनिमल्स, जो डॉल्फिन होती हैं वो किसी को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं होती हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। बट देयर इज चिल्का, ही डॉल्फिन इज सेफ, और जो मतलब जो चिल्का होता है, जो चिल्का है वहाँ पर जो डॉल्फिन्स हैं वो सेफ रहती हैं। दे लोकल फिशरमैन बिलीव डेट द क्रिएचर इज सेक्रेट एंड वेल नॉट हार्म इट, मतलब जो लोकल जो फिशरमैन होते हैं, जो लोकल वहाँ के मछुआरे होते हैं, वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचाते और ना ही डॉल्फिन उन्हें कोई हानि पहुँचाती है। उसके बाद है चिल्का इज फेमस नॉट ओनली फॉर इट्स बर्ड्स एंड फिश, जो चिल्का है वो खाली मछलियों के लिए और बर्ड मतलब पक्षियों के लिए और मछलियों के लिए ही फेमस नहीं है। अमाउंग द मैनी हिल सराउंडिंग इज द सराउंडिंग द लेक वन कैन फाइंड चीता, ब्लैक बक और मोंगोस, मंकीज एंड पॉर्क्यूपिन्स, मतलब वहाँ पर बहुत अलग अलग मात्रा में बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं, वो एक हिल स्टेशन की तरह है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे चीता हो गया, ब्लैक बक हो गया और बहुत सारे मतलब जंगली मंकी जो होते हैं वो भी होते हैं। तो चिल्का इज रियली अ पैराडाइज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द काइंड्स, मतलब
मतलब जो चिल्का है वो सच में ही जंगली जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए और उनकी अलग अलग वेराइटीज के लिए मतलब अलग अलग प्रकार के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। ठीक है, हमने ये पढ़े मतलब इसमें हमने चिल्का के बारे में पढ़ा है कि चिल्का एक जगह है जहाँ पर वो एक इतनी खूबसूरत जगह है कि पूरी दुनिया से जानवर पक्षी वहाँ समय बिताने के लिए आते हैं सर्दियों में, क्योंकि वहाँ एक धीमी धीमी सी धूप निकलती है, ज़्यादा सर्दी नहीं होती और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर आराम से पक्षी जो होते हैं वो अपना समय बिताते हैं। और घूमने के लिए वो एक बहुत अच्छी जगह है क्योंकि वहाँ बहुत सारी वैरायटी के पक्षी, जंगली जानवर और बहुत उस मतलब उस समुद्र में भी, उस लेक में भी बहुत सारे मतलब मछली अलग अलग वैरायटी की पाई जाती हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, बहुत अच्छा चैप्टर था। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंस अगेन थैंक यू।